आज हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो है एक स्क्रू ड्राइवर और इनामेल्ड कॉपर वायर और एक बैटरी सेल। और स्क्रू ड्राइवर जो है वो एक प्लेन सादा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, पहले से ही मैग्नेटाइज किया हुआ स्क्रू ड्राइवर ना इस्तेमाल करें। और जो इनामेल्ड कॉपर वायर होती है वो ऑरेंज कलर की वायर होती है, पतली सी, जो मोटर के लिए वाइंडिंग केबल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद एक बैटरी सेल हमें ज़रूरत पड़ेगी, और जो बैटरी सेल जो है वो आपके पास जो भी सबसे पावरफुल बैटरी सेल होगी वो इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपके आरसी टॉयज़ में इस्तेमाल होने वाली जो बैटरी होती है, जैसे 3.7 वोल्ट की बैटरी हो या उससे भी अगर पावरफुल बैटरी हो तो उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दो एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट किट्स का इस्तेमाल किया है, एक तो है हेलो मैग्नेट्स और दूसरा है फन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दोनों किट्स बनाने वाली कंपनी का नाम है कुतूहल, और ये आपको अमेज़न के ऊपर मिल जाएंगे, जिसका एक लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इससे पहले मैंने जो मैग्नेट्स के ऊपर वीडियो बनाया था उसके लिए मैंने ये हेलो मैग्नेट्स का किट इस्तेमाल किया था। यहाँ पर जो ब्राउन कलर का जो पैड है वो इसमें से लिया है, और जो दूसरा किट इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है वो ये है फन विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये है इस किट के साथ आई हुई इनामेल्ड कॉपर वायर, और ये स्क्रू ड्राइवर भी किट के साथ मिलता है, और ये है मेरे पास 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी, और उसके साथ में उसका कवर भी है, और उसको मैंने केबल भी और एक स्विच भी जोड़ रखा है, और बाकी कुछ सामान जो हमको इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है हम ये सारी वायर इस स्क्रू ड्राइवर के ऊपर वाइंड करने वाले हैं। तो इससे पहले हम इसके जो दोनों छोर हैं उस छोर से जो है कॉपर की इनामेल जो है उसको घिस के निकालेंगे, ताकि जब हम उसे बैटरी से कनेक्ट करना चाहें तो उसको ठीक से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर जो फोम का जो पैड है उसके ऊपर रख के फाइल से मैं इसको थोड़ा सा घिसूँगा। तो आप चाहो तो इसके लिए एक सैंड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी इस वायर के एक छोर से लगभग एक फीट हिस्सा छोड़ के उसको फिर स्क्रू ड्राइवर के बेस पर एक सेलो टेप के टुकड़े से चिपका लें, ताकि जब हम इसको केबल को स्क्रू ड्राइवर के ऊपर वाइंड करेंगे तो वो फिसले नहीं, वहाँ से निकले नहीं। अब हम इसको वाइंड करना शुरू करते हैं। तो इसको जितना नज़दीक से हो सके उतना आप इसको वाइंड कीजिए। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी वायर लगभग ये 2 मीटर की है इसके ऊपर वाइंड कर रहा हूँ। तो ये आप मल्टीपल लेयर्स भी अगर हो जाते हैं एक के ऊपर एक तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब वाइंडिंग करना पूरा हो जाए तो फिर अंत में फिर एक फीट का हिस्सा छोड़ के फिर उस सेलो टेप से चिपका के उसको अपनी जगह पे फिक्स कर दें, ताकि ये जो वाइंडिंग है वो निकले नहीं। अब हमारे स्क्रू ड्राइवर के ऊपर वायर की वाइंडिंग पूरी हो गई है। अब इस वाइंडिंग के जो दो छोर हैं उसको हम इस बैटरी के दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने बैटरी के साथ में एक स्विच भी जोड़ा है, ताकि मैं बैटरी को बिना डिस्कनेक्ट किए ऑन ऑफ कर सकूं। अब ये कनेक्शन पूरा हो चुका है, तो शुरू में तो इस स्क्रू ड्राइवर में किसी तरह की मैग्नेटिज्म नहीं होगी, और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो जैसे ही कॉइल में से करंट दौड़ेगी तो वो नीचे के जो स्क्रू ड्राइवर का जो लोहे का हिस्सा है उसको मैग्नेटाइज कर देगी, और ये लोहे की चीज़ों को आकर्षित करना शुरू करेगी। तो जो भी लोहे की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप इसको चिपका के टेस्ट करके देख सकते हैं।
अब जैसे ही हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लो बंद हो जाएगी और इसका मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोहे के अंदर थोड़ा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं कुछ देर तक चिपकी रहती हैं। अब हम थोड़ी सी बड़े साइज़ की चीज़ों को भी देखें, इससे ये चिपकता है या नहीं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हुआ है। इसका कारण ये कि हमने जो इसके ऊपर काफ़ी लंबी वायर वाइंड की है और 3.7 वोल्ट की जो रिचार्जेबल सेल है वो भी काफ़ी मात्रा में करंट सप्लाई करती है। तो अगर आप छोटे सेल का जैसे 1.5 वोल्ट वाले का इस्तेमाल करोगे तो कम करंट की वजह से वो ज़्यादा मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं करेगा, तो हो सकता है वो छोटी छोटी चीज़ें ही अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आप अगर पावरफुल बैटरी इसको इस्तेमाल करोगे इस यूनिट के लिए तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका रिज़ल्ट मिलेगा।